गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू मेड इजी आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा सो हाउ आर यू एवरी वन कैसे हो तुम सब लोग राइट कैसे हो ओ ओ ठीक है हाँ बढ़िया ओ एक मिनट येस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑल गुड श्योर वेरी गुड वेरी गुड अरे ये क्या हो रहा है हा अब सही है हा सो वेलकम टू द सेशन एवरी वन एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा अगर कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है तो हमारे चैनल को जरूर अरे यार क्या क्या हो रहा है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले है ना लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब फॉर श्योर ओके सो टेलीग्राम ग्रुप को भी बच्चे आप क्या कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम नोट शेयर कर लेते हैं आई नो हैंड रिटन नोट भी कल के मैंने वैसे प्रोवाइड करवा दिए थे अगर अभी तक नहीं हुए तो वो आज हो जाएंगे एनीथिंग एल्स एनीथिंग एल्स चले तो शुरू करें आज का सेशन शुरू करते हैं बच्चे आज बच्चों थोड़ा सा ना नेटवर्क का थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ ग्लिच है अगर मान लो इन केस पांच छह मिनट के लिए तुम्हें लगेगी स्ट्रीमिंग स्टॉप हुई है सेशन कंटिन्यू नहीं हुआ तो वेट कर लेना सेशन कंटिन्यू हो जाएगा थोड़ी सी गड़बड़ है सिस्टम में ओके चलो सो so, देख लो आज लास्ट डे है एडफेस्ट का कौन सा डे है लास्ट डे है आज एडफेस्ट का बच्चे राइट आप वी प्रो का पार्ट बन सकते हो सी वी प्रो का पार्ट बन सकते हो और कितना मिलेगा फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ दैट इज अपू रुपीज टू थाउजेंड इट right, बच्चे आप वी प्रो का पार्ट बन सकते हो सो टुडे इट इज द लास्ट डे टाइम वेस्ट मत करो जो नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे अमेजिंग से वेब प्लेटफॉर्म पर जहां पे तुम्हें एक टीचर के साथ एक लाइव सेशन में तुम टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो डाउट पैनल इज देयर एवरीथिंग इज देयर बच्चे राइट right, साथ के साथ उसी सेशन में तुम लोगों को हम लोग उसी सेशन में तुम लोगों को हम लोग गाइड भी करते हैं तुम्हारे एमसीक्यू भी राइट right, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होती है फाइन बच्चे ठीक है So, ये देख लो, last day है आज और आप बताओ सच सच राइट आप बताओ सच सच चलो भाई सेशन शुरू करते हैं बच्चे सेशन जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग लेकिन मुझे एक चीज बताओ ये जरा ओके okay, ये ना जूम ओहो हो हो। रुक जाओ बच्चो हाँ ठीक है so, सो कौन कौन थोड़ा बहुत रिवाइज करके आया है कौन कौन सा बच्चा थोड़ा बहुत रिवाइज करके आया जिसने आज चैप्टर देखा है कि हाँ आज वन शॉट है ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन का वैसे पहले मैंने ये टॉपिक तुम्हें डिटेल में करवाया है लेकिन आज हम लोग फटाफट फटाफट मेन मेन चीजों को टारगेट करने वाले हैं So, जो नए बच्चे हैं फटाफट फड़ हमारे चैनल को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट ज्वाइन कर लें। एक्साइटेड हो हा वेरी गुड सो बच्चे इतने सारे लाइक्स इतने कम क्यों हैं? वो भी थोड़ा सा बढ़ाओ जी वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलिए सो शुरू करते हैं बच्चे हम आज का सेशन अपना सो यू कैन नेवर वरी योर सेल्फ आर ऑफ ट्रेवल अच्छा जी याद का ज्ञान सो so, शुरू करते हैं हम आज का सेशन ऑर्गेनिजम एंड और इट्स इन वेखो बच्चे बात करते हैं इको की राइट right? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग इकोलॉजी की बात कर रहे हैं राइट right? तुम्हें पता है कि ये सारे चैप्टर ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इकोलॉजी में इज इट इकोलॉजी में राइट सो इकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरक्शन उनके सराउंडिंग के साथ इंटरक्शन इज इट आपस में इंटरेक्शन और सराउंडिंग के साथ इंटरक्शन इज इट दिस इज वॉट वी स्टडी इन इकोलॉजी येस और नो फट फरावट फरावट नो जल्दी येस और नो बिल्कुल करते हैं यही yes, पढ़ते e हैं हम सो so, इकोलॉजी की जब बात आती है हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी एनी वन हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कोई बता सकता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा

थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सो so, तुम्हें बेसिक चीज पता है हमें पता है हम लोग बात करते हैं एक सेल की सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ उस सेल में क्या है प्रोटोप्लाज्म है जो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बहुत सारी चीजें जुड़ के मिलके वो प्रोटोप्लाज्म बना रही है इजेंट इट प्रोटोप्लाज्म बना रही है इजेंट इट सो बहुत सारे सेल्स जुड़े सेल्स ने बना दिया टिश्यू राइट बहुत सारे सेल्स ने इकट्ठे टिश्यू जिनका कॉमन ऑरिजिन है जिनका फंक्शन कॉमन है समझ रहे हो सो so, सेल से टिश्यू राइट right? अभी थोड़ा जगह का कमी है हमारे पास ऐसे ही चलते हैं सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन यही पढ़ते हैं हम बायो में ऑर्गन बहुत सारे जुड़ के बना देंगे ऑर्गन सिस्टम फिर आ जाएगा बच्चे एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म पूरे की पूरी लिविंग बॉडी राइट right, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक पूरी की पूरी लिविंग बॉडी राइट right, बच्चे सो so, ये जो ये ऑर्गेनिज्म है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी क्या है बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी किसमें इन इकोलॉजी राइट बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी कौन ऑर्गेनिज्म बच्चे कौन ऑर्गेनिज्म ठीक है बच्चे बेसिक यूनिट पहला पॉइंट अब दूसरी चीज क्या है अब यहां पर दूसरी चीज क्या आ गई अब ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड एंड पॉपुलेशन राइट ध्यान से सुनना ये चीज को यहां से एक तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से क्या फ्रेम होता है तुम्हारा एक क्वेश्चन फ्रेम होगा राइट अब जैसे मान लो यहीं से इसी स्लाइड को यूज करते हैं सो ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी अब बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में हमें पता है कि क्या इंसान रह रहे हैं और भी अलग अलग स्पीसीस के लोग रह रहे हैं, मतलब और भी अलग अलग स्पीसीस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं डॉग है स्कॉल है लिजर्ड है राइट प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स है कितना कुछ है कितना कुछ है राइट कितना कुछ है सो जब एक जगह पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रहने वाले लोग जैसे हम ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया समझ रहे हो वो उस एरिया की क्या बना रहे हैं पॉप्यूलेशन बना रहे हैं राइट पॉप्यूलेशन बना रहे हैं सो पॉपुलेशन वर्ड जब आ जाता है ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ये हम पढ़ रहे हैं लेवल्स ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल हायर या बेसिकली इट इज द यू कैन सिंपली से दैट इकोलॉजिकल हायर राइट ये वो पढ़ रहे हैं हम लोग और ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो ऑर्गेनिज्म बहुत एक ही जगह पर रहने वाले सेम स्पीसी के इंडिविजुअल वो बना रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया राइट पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया सो जब पॉपुलेशन की बात आएगी इस पॉइंट को कभी मत भूलना सेम स्पीसी के लोगों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेम के लोगों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉपुलेशन अब अगली चीज क्या आ गई अगली चीज क्या आ गई हाँ जी बच्चे क्या लगता है सिर्फ एक ही स्पीसीज रह रही है के नीचे तुम्हें क्या लगता है एक जगह पे क्या सिर्फ एक ही तरह की स्पीसीज रह रही है हाँ यहाँ एक ही तरह की स्पीसीज रह रही है क्या ऑफकोर्स नॉट ऑफकोर्स नॉट इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज देन मेक द पॉपुलशन ऑफ दैट एरिया बना सकते हैं लेकिन हमें पता है अलग अलग स्पीसीज भी हैं सो so, जब हमने अलग अलग पॉपुलेशन ले ली राइट एक जगह में प्लांट्स की पॉपुलेशन एनिमल्स की पॉपुलेशन है माइक्रोबियल पॉपुलेशन भी है तो हमने उसे क्या कह दिया कम्यूनिटी क्या हो गया वो कम्यूनिटी वॉट इज इट दैट इज कम्यूनिटी राइट अलग अलग पॉपुलेशन को हमने कंसिडर कर लिया राइट डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन को हमने कंसिडर कर लिया ये पॉइंट आ गया राइट right? वो पॉपुलेशन वहाँ एक कॉमन इन्वायमेंटल कंडीशन में जो प्रेजेंट है राइट right? अलग अलग पॉपुलेशन अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन जो सेम सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में प्रेजेंट है दे आर मेकिंग द कम्युनिटी ऑफ दैट एरिया सो कम्युनिटी अब उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा इकोसिस्टम कम्युनिटी के बाद क्या आ गया क्या इकोसिस्टम आया अलग अलग पॉपुलेशन उनमें भी एक्सचेंज हो रहा है उनमें भी आपस में एक्सचेंज है चीजों का सराउंडिंग में अपने इनवाट में भी एक्सचेंज है राइट इन्वामेंट में भी एक्सचेंज है इकोसिस्टम फिर बायोम आ जाता है और फिर आ गया बच्चे पूरे का पूरा बायोस्फीयर सो so, इसको कर लो फटाफट मार्क राइट इसको सबसे पहले समझ लो So, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम एक लार्ज इकोसिस्टम जब हम कंसिडर कर लेते हैं जहां स्पेसिफिक लैटिट्यूड है स्पेसिफिक प्रेसिपिटेशन है टेम्परेचर कंडीशन स्पेसिफिक है दैट इज बायोम, फिर आ जाता है बायोस्फेयर जिसके पास सब है जिसके पास क्या है सब कुछ है डन इतना पॉइंट डान बच्चे इतना पॉइंट डाल पक्की बात सो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम बायोम और बायोस्पेयर ठीक है सो so, अब आ जाओ इस पार्ट पे जो हमें मार्क करना है ये देख लो यहाँ पर क्या है यहाँ पर बच्चे हमारे पास कि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट बच्चे और इज असेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम आर एडेप्टेड अल्टीमेटली ये लाइन ये कह रही है कि जब हमने क्या उठाया जब हमने एक ऑर्गेनिज्म की बात की लेवल की की बात राइट जिसको हमने क्या कहा कि इट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी उसके इंटरनल क्या चल रहा है उसके इंटरनल क्या चल रहा है राइट किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म अपने इनवायमेंट में अडेप्ट कर रहा है वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखते राइट वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसमें देखते हैं बच्चे एक बच्चा लिख रहा है कि ब्लर दिख रहा है इज इट सो मेरे को तो क्लियर दिख रहा है फोकस्ड है ऐसा है क्या ऐसा है क्या सही है ब्लर हो रहा है अच्छा ऐसे कैसे हाँ मैडम ने पहले ही बोल दिया कि थोड़ा सा ना ग्लिच है आज थोड़ा सा ग्लिच है तो कुछ भी बोलो ब्लर नहीं हो रहा है सही है सही है सही है थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओ वीडियो की वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ डन बच्चे सो so, ये सारी चीजें आ जाती हैं इस चैप्टर में सो so, तुम्हें पता है कि अर्थ के ऊपर राइट अलग अलग जगहों पे जैसे ये देखो, ये देखो अर्थ है ये इमेजिनरी लाइन इसको हमने बोल दिया इक्वेटर ये क्या हो गए पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल राइट नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये आ गया इक्वेटर बीच की इमेजिनरी लाइन सो बच्चे ये जो हम स्पेसिफिक लैटिट्यूड्स कंसिडर करते हैं ये करवाया ना मैंने तुम्हें थ्री पॉइंट डिग्री एन 23.5 डिग्री एस ये जो बीच का पूरा एरिया आ गया ये आ गया ट्रॉपिकल रीजन राइट ट्रॉपिकल एरिया जहां पे सनलाइट मैक्सिमम है देखो ये सारे पॉइंट समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पार्ट समझना है राइट हमें क्या समझना है हमें ये पार्ट समझना है डन समझ रहे हो सो यहाँ पे ये आ गया सारा ट्रॉपिकल रीजन जहां सनलाइट मैक्सिमम है जहां कंडीशन कॉन्स्टेंट है जहां रेनफॉल भी है इतना सारा सनलाइट भी इतनी सनलाइट सबसे ज्यादा अवेलेबल है टेम्परेचर हाई है सो कंडीशन एक लंबे समय तक कॉन्स्टेंट है ये हो गया ट्रॉपिकल रिजन क्या हो गया बच्चे ये हमारे पास ट्रॉपिकल रिजन एग्जैक्टली डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है राइट फिर धीरे धीरे ये आ जाएंगे टेम्परेट रिजन जहां कंडीशन फ्लक्चुएट करती हैं जहां कंडीशंस फ्लक्चुएट करती हैं जहां कंपैरेटिवली उन टेम्परेट रीजन में जहां कंपैरेटिवली टेम्परेचर भी कम होगा बायोडायवर्सिटी भी कम होगी राइट right? बायोडायवर्सिटी भी कम होगी फिर साइड आ गए पोल्स नॉर्थ पोल आ गया साउथ पोल आ गया आर्कटिक अंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं हम है ना जहां तो टेम्परेचर बिल्कुल ही कम है So, अलग 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 ये जो पूरा ये हमारा जैसे अर्थ तुम्हें पता है सन के अराउंड घूम रही है बस ये चीजें वेरी कर रही हैं अलग अलग जगह का कई बार दिन रात भी वेरी करते हैं कहीं दिन है कहीं रात है राइट कंडीशन वेरी करती हैं तुम सिर्फ इंडिया को ही उठा लो सिर्फ इंडिया को ही तुम लोग उठा लो सो इंडिया में नहीं तुम लोग देखते हमारे देश में कितना कितने चेंजेस है नदरन पार्ट देखिए जो आ गया थोड़ा टेम्परेट काइंड ऑफ कंडीशन है सीजनल फ्लक्चुएशन है अग्री अग्री देखो कितना कुछ है डन सो so, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं हमें पता है हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है अब तुमने पढ़ा या नहीं पता नहीं हमने तो पढ़ा है कि रोटेशन हमारे प्लान की अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस इट यूज टू कॉज द एनुअल वेरिएशन किसमें वेरिएशन करता है इंटेंसिटी में और टेम्परेचर के ड्यूरेशन में अलग अलग सीजन आ जाते हैं राइट right? सो so, ये 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 वाली बेसिक चीज किस किस को पता है ये वाली बेसिक चीज किस किस को पता है है किसी को पता पक्की बात है हाँ पक्की बात है ये तो बहुत बेसिक है भाई जियोग्राफी है थोड़ी सी अब क्या करे क्या करे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर तो जिसका राइट जिसका ये ख्याल है कि आज पढ़ना नहीं है छोड़ पड़े परसों देखेंगे सारे ख्याल निकाल दो यहाँ पे फोकस करना शुरू कर दो ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो आज वो ऐसा था ना कि सेशन तो तुम्हारा पहले स्टार्ट होना था मतलब इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल सो वो के चक्कर में सेशन भी लेट स्टार्ट हुआ राइट लेकिन हमने आज पूरा चैप्टर खत्म करना है ये वाला ये पक्की बात है ये पक्की बात है ठीक है आज मेरा यही मोटिवेशन था तीन दिन कहा है तीन चैप्टर हमने करने हैं संडे को रिवीजन करनी है मंडे को इसी का मेंटी करेंगे फिर मंडे को इसी का एंटी करेंगे फिर तीनों चैप्टर्स का साथ में राइट ठीक है सो सब एक मोटिवेशन के साथ रहेंगे कि आज हम लोग ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं सो so, कितने बच्चे इन हैं कितने बच्चे इन हैं इस चीज के लिए कि हांजी मैम आज ये चैप्टर खत्म करेंगे ही करेंगे शाबाश वेरी गुड थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और वेरी good, वेरी good, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शाबाश बहुत बढ़िया सो so, अब आ जाओ यहाँ पर ये जो हमने बात की है ये हमने बात की है बायोम डिस्ट्रीब्यूशन की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन मैंने तुम्हें कहा एक पर्टिकुलर बायोम में स्पेसिफिक कंडीशन होनी है रेनफॉल स्पेसिफिक है वहां का टेम्परेचर स्पेसिफिक है सो so, अपने आप यहाँ पर चीजें समझो अपने आप चीजें समझो जैसे पोल्स की बात की हमने जहां क्या है बहुत कम टेम्परेचर है बहुत कम टेम्परेचर है नेगेटिव में भी टेम्परेचर है तुम्हें पता है इंडिया की बात कर लो इंडिया में हिमाचल में कई ऐसी जगह है कई ऐसी जगह है बच्चे जहां पर इतनी ज्यादा तुम ये कह लो कि वहां पर स्नो स्नो डेजर्ट है हद से ज्यादा लो टेम्परेचर मोसेज एंड लाइक मिलेंगे तुम्हें वेजिटेशन में ट्रीज भी नहीं मिलेंगे ट्रीज भी नहीं, नहीं मिलेंगे इतना कम टेम्परेचर है हिमाचल में भी कई जगहों पर नाम लेना जरा कोई नाम लेना जरा कोई नहीं 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 सोलन वगैरह में नहीं बच्चे कई ऐसी जगह है जहां वही है कि सरवाइवल के सर्वाइवल के लिए खैर हम तो मैमल्स हैं आ, हम तो हैं हम तो कहीं पे भी एडजस्ट कर रहे हैं हमारी अडाप्टेशन हैं इस तरह की लेकिन बच्चे दे आर आर प्लेसेस जहां पर क्या है कि टेम्परेचर कंडीशन इतनी 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 लो है हमारे पास स्नो डेजर्ट्स भी हैं इंडिया में राइट सो यहाँ पर ये देखो ये जो आर्कटिक एंड एल्पाइन तुंदरा दिखाया गया है आर्कटिक और एल्पाइन तुंद्रा दिखाया गया है सी हियर आर्कटिक आर्कटिक और यहां पर क्या बोला गया है? आ गया आ गया है वर्ड वर्ड आ आ याद रखना ये बात कंडीशन टेम्परेचर बहुत कम है माइनस में है माइनस में है ये देखो माइनस में टेम्परेचर चल रहा है आर्कटिक और अल्पाइन में ये वाला पार्ट ये रेड रेड वाला पार्ट आर्कटिक और अल्पाइन किताबें खोली है सबने किताबें खोली हैं सो so, ऐसे याद रखना यार तुंदरा वर्ड आ गया तुंदरा मतलब बड़ी लो कंडीशन है बहुत हद्परेचर नेगेटिव में चला है सो ऑफकोर्स रेनफॉल भी कम है स्नो ही चलेगी वहां पे है ना स्नो ही चलेगी ये पार्ट आ गया अब थोड़ा 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 इसी के इसी के ऊपर चलो अब तुम्हें पता है जब तुमने डेजर्ट की बात की किसकी बात की डेजर्ट की बात की डेजर्ट को कंसिडर करो क्या डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होगा क्या डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होगा हाँ कि ना डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होगा हाँ कि ना बिल्कुल हाँ रेनफॉल क्या होगा रेनफॉल क्या होगा रेनफॉल होगा कम ये देखो ये आ गया डेजर्ट राइट right? ये आ गया डेजर्ट ये वाला पार्ट डेजर्ट आ गया राइट right? सो so ये आर्कटिक और एल्पाइन तुंदरा ये आ गया डेजर्ट अब देखो डेजर्ट है राजस्थान बहुत बढ़िया एग्जांपल राजस्थान अब धीरे 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 ना मैं इसको ऐसे इमेजिन करती हूँ था फिर धीरे धीरे ना ग्रास आए धीरे धीरे क्या आए आए राइट ग्रास लैंड मूव कर गए हमने कह दिया ग्रास लैंड सो so, ग्रास लैंड में टेम्परेचर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग डेजर्ट के बराबर ही देख रहे हैं लेकिन भाई वहां पर रेनफॉल क्या होगा रेनफॉल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द डेजर्ट एज कंपेयर टू द डेजर्ट वहां पर क्या होगा वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा राइट रेनफॉल ज्यादा होगा अब उससे थोड़ा और आगे मूव कर जाओ थोड़ा सा और आगे मूव कर जाओ ये देखो बच्चे फॉरेस्ट, तुम्हारे फेरस। ये आगे ना जैसे शिमला जाते हैं शिमला देखा है वो पाइन के ट्रीज चीड वगैरह ये सब भी कोन बेयरिंग प्लांट्स कोन बेयरिंग प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स की हमने बात की ये देखो सो फेरेसो so, यहां ऑफकोर्स जो टेम्परेचर होगा वो इस ग्रासलैंड चलो ठीक है कई जगह पे तो ग्रासलैंड पे सेम है डेजर्ट से ऑफकोर्स कम होने वाला है और रेनफॉल होगा ज्यादा ये देखो अब इसमें रेनफॉल होगा ज्यादा सो so, इसी कॉनीफर के ऊपर आ गए टेम्परेट पे जहां टेम्परेट में कॉनी से ज्यादा होगा टेम्परेचर राइट बच्चे रेनफॉल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रेंज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रेंज में बिल्कुल सही राइट right? बिल्कुल सही अब ये आ गए ट्रॉपिकल 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 फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी हाई रेनफॉल भी भर भर के टेम्परेचर भी हाई रेनफॉल भी भर भर के ये देखो सो so, जब जब ट्रॉपिकल वर्ड आ गया ना स्पेशली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट समझ आ रहा टेम्परेचर भी हाई होगा सनलाइट भी अवेलेबल है और रेनफॉल भी भर भर के होगा सो so, ये वाला पार्ट कोई नहीं भूलेगा जाती है तुम्हारी बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन राइट बायोम की डिस्ट्रीब्यूशन सो so, अपने आप देखो बच्चे कैसे थोड़ी थोड़ी कंडीशंस वेरी कर रही है अलग अलग तरह के हैबिटैट्स मिल रहे हैं राइट right? अलग अलग तरह के हैबिटैट्स मिल रहे हैं इन थोड़ी थोड़ी कंडीशन की वेरिएशन की वजह से तुम्हें पता है राइट right? ये पॉइंट माइंड में रखना तुम एक इंडिया जैसे देश को भी देखो कितनी ज्यादा डायवर्सिटी है क्योंकि हमारा भी कुछ पार्ट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है राइट right? कितनी ज्यादा डायवर्सिटी है सो so, यहाँ देखो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस इन्हीं बायोम के बीच में जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस हैं इनसे क्या हो रहा है ये बना रहा है अलग अलग तरह का हैबिटेट राइट right? ये क्या बना रहा है अलग अलग तरह का हैबिटेट राइट सो हैबिटेट कैसे बना अलग अलग वेरिएशन्स की वजह से राइट रीज रीजनल और लोकल वेरिएशंस की वजह से मानते हो राइट ठीक है अब जैसे अपने आप अप देखो अपने आप अप देखो हम लोग एक घर में भी रहते हैं ठीक है एक सिंपल सा एग्जांपल है एक घर में भी रहते हैं होता है ना घर में रहते हैं आ रहे अलग अलग कमरे हैं मान लो जैसे अब मान लो मेरा कमरा है तो मेरा कमरा होगा एकदम चकाचक साफ सुथरा ठीक है वही मेरे भाई का कमरा कोई देखेगा तो उतना ही यहाँ लड़का लड़की वाला कोई नहीं है कई बार लड़किया कमरा उतना साफ नहीं रखती जितना लड़का रखते हैं होता है एक ही घर में रहने वाले लोग एक ही घर में रहने वाले लोग उनकी देखो चॉइसेस कितनी कितनी अलग है इतनी -कितनी अलग है यहाँ ऐसे रहेंगे वहां वैसे रहेंगे होता है इनके कमरे में जैसे घुस जाओ तुम मम्मी पापा के कमरे में घुस जाओ अलग ही फीलिंग है अपने कमरे में अलग ही फीलिंग है आते है ऐसी चीज आती है ऐसी चीज होता ही है भाई होता है है ना सो so, ये तो पूरे बायोम की बात होगी पूरे बायोम की बात होगी जहां पे थोड़ी थोड़ी वेरिएशन से अलग अलग बनने वाले हैं राइट अलग अलग बनने वाले हैं इंडिया के देखो इंडिया के पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हैं इंडिया के पास डेसीड फॉरेस्ट भी हैं इंडिया के पास भाई डेजर्ट भी है और सी कोस्ट भी है इसीलिए तो हमारा देश बारह मेगा डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज में से एक है समझ रहे हो बारह मेगा डाइवर्सिटी रिच कंट्रीज में से एक है फाइन बच्चे सो इसको मार्क कर लो इसको मार्क कर लो सो ये देखो प्लान अर्थ पे क्या हो रहा है हमें पता है फेवरेबल हैबिटेट्स भी हैं और हार्श भी हैं बात कर लो राजस्थान डेजर्ट्स की मेघालय के फॉरेस्ट की बात कर लो जहां इतनी बारिश हो रही है जहां इतनी इतनी डायवर्सिटी मिलेगी राइट डी डी पोशियन ट्रेंचस की बात कर लेते हैं हम राइट बहुत गहराई में वहां देखो उसके अलावा पर्मा फ्रॉस्ट पर्माफ्रॉस्ट क्या आ गए तुम्हारे स्नो लेडन पॉलर रिजन जहां टेंपरेचर बहुत ज्यादा कम है राइट पर्माफ्रॉस्ट टेंपरेचर बहुत ज्यादा कम है डन बच्चे सो so माउंटेन्स भी हैं यहाँ पर थर्मल स्प्रिंग्स भी हैं राइट right, बच्चे इतना कुछ है यहाँ पर इतना कुछ मानते हो इतना कुछ है यहाँ पर सो so कहते हैं हमारी इंटेस्टाइन में भी एनसीआरटी कह रही है यूनिक हैबिटेट है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तुमको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कितने अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डू यू नो दैट डू यू नो दैट राइट सो ये बात आ गई हैबिटेट की ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन से अलग अलग तरह का हैबिटेट बन गया अब अगला पॉइंट क्या है बच्चे हमें पता है कि फिजिको केमिकल मतलब ए बायोटिक कम्पोनेंट्स आर ऑल्सो देर ऑफकोर्स टेम्परेचर लाइट है टेम्परेचर uh, है वॉटर है लाइट है सॉइल है राइट नो डाउट ये तो ये तो राइट right? कैरेक्टराइज करते ही करते हैं को लेकिन सिर्फ सिर्फ यही चीजें नहीं नो no डाउट ये जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फिर वॉटर आ गया हमारे पास लाइट आ गई हमारे पास सॉइल आ गया टेम्परेचर नंबर वन पे उसके अलावा उसके अलावा हम लोग ये कह रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं बायोटिक कंपोनेंट्स भी हैं राइट right. वो भी कैरेक्ट कैरेक्टराइज करेंगे हैबिटेट एक का जैसे देखो पैथोज प्रिडेटर्स सब चीजों सब चीजों के बेसिस पे हमें ये सारी चीजें पता लगती है राइट right. सब एक एक फैक्टर कंसिडर किया जाता है राइट right. राइट right. कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं प्रिडेटर कहा कितने हैं प्रे है या नहीं है कोई पैरासाइट है या नहीं है हर एक चीजों के बेसिस पे ये डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड होगा राइट right, बच्चे सो फॉर वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनिज्म हार्ड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन ई वर्ल्ड ऑफ एडेपेशन टू ऑप्टिमाइज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो बच्चे जिन बच्चों ने अभी भी अपनी एनसीईआरटी नहीं खोली है खोल लो अब बोर्ड्स की डेट अनाउंस हो चुकी है अब हम लोगों ने ध्यान इधर उधर नहीं लगाना है हम तुम्हारे साथ के साथ बोर्ड्स भी रिवीजन करवा दी साथ के साथ तुमने नीट नहीं छोड़ना है राइट नीट नहीं छोड़ना है जैसे बच्चों को रहते मैम मेरे बोर्ड्स मैम मेरा नीट बोर्ड नीट पढ़ लो इसे पढ़ लो नीट में भी तो यही आना है नीट में भी तो यही आना है मानते हो कि नहीं मानते हो नीट में भी तो यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने उठाना पिछला पेपर देखना जरा देखना जरा सो यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है बच्चे कि ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे नेचुरल सिलेक्शन से हम लोग इवॉल्व हुए बिल्कुल हुए नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का कंसेप्ट जानते हो तुम लोग इसको बहुत अच्छे से राइट right? डार्विन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि चेंजिंग चेंजिंग सराउंडिंग में हम सबने क्या करना है अडाप्ट अडाप्ट जो अडाप्ट करेगा वो बचेगा नेचर सेलेक्ट करती है कौन जो पढ़ा है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फिट है सर्वाइव करेगा करेगा कि नहीं करेगा नेचर भी तो उसको सेलेक्ट करेगी जो चेंजिंग में इन्वाप्ट कर गया वही रिप्रोड्यूस करेगा आगे अपने जीन्स को प्रोपेगेट करेगा राइट प्रोपेगेट करेगा सो so, कैसे एक ऑर्गेनिज्म इन सब वेरिएशन में सर्वाइव करता है इन सब चीजों में सर्वाइव करता है अडेप्टेशन से सो so, अडेप्टन भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अडेप्टेशन भी इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है Then, डन बच्चे आप ताकि अपना सर्वाइवल ऑप्टिमाइज कर सके डन बच्चे अब दूसरा वर्ड आ जाता है हैबिटेट हमें पता लग गया जहां पे किसी का बसेरा है दूसरा वर्ड आ गया बच्चे निश एक हो गया अपने पास हैबिटेट दूसरा वर्ड है निश दूसरा वर्ड क्या है निश डन हाँ हैबिटेट इसको हम बोलते हैं बच्चे एड्रेस इसको हम क्या कंसिडर करते हैं हम लोग इसको कंसिडर करते हैं एड्रेस निश क्या है बच्चे प्रोफेशन एक ऐसी सिंपल भाषा में इसको देखते हैं हैबिटेट हो गया एड्रेस निश हो गया प्रोफेशन, प्रोफेशन। राइट जहां कोई रह रहा है जैसे हम वो बोलते हैं हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल है राइट बच्चे ड्राई कंडीशन है किस तरह की है हैबिटेट हैबिटेट हो गया कहां पे तुम रह रहे हो तुम्हारा एड्रेस वहां पे तुम्हारा रोल क्या है तुम्हारा रोल क्या है वहां पर तुम्हारा रोल क्या है वहां पर तुम क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो वहां दैट इज निश दैट इज निश दैट विल बी द प्रोफेशन इकोलॉजिकल रोल क्या है राइट इकोलॉजिकल रोल क्या है ये आ गया पॉइंट एक ये क्या आ गया हमारे पास एक पॉइंट पॉइंट नंबर वन क्या आ गया अपने पास रुतुजा जी क्या आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर वन है ना रुतुजा जय श्री कृष्णा समझ में आई ठीक है अब एक चीज बताओ बच्चे सबके पास सबके पास चौबीस घंटे हैं तुम बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर पाओगे सबके पास चौबीस घंटे हैं हाँ या ना बिल्कुल कोई उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है कोई उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है कोई उस चौबीस घंटे में से बेस्ट निकाल रहा है अच्छे से पढ़ाई करेगा हर चीज टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कुछ ऐसे पड़े पड़े सोचते ही रहेंगे सिर्फ सोचते रहेंगे हो गया काम है ना कुछ सिर्फ सोचते रहेंगे हो गया काम बाकी सब खत्म है कि नहीं होता है होता है मानते हो ये चीज सबके पास सेम चौबीस घंटे हैं किसने किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज किया राइट किसने किस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज किया किसने किस तरह से उसका प्रोडक्टिव बनाया या वेस्ट किया वो तुम लोगों पे है वही पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट यहाँ पर है जब हम निश की बात करते हैं राइट right? कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स का इकोलॉजिकल रोल भी सेम हो उनका निश वेरी करेगा डेफिनेटली उनका निश वेरी करेगा जैसे ये देखो बड़े प्यार से दे रखा है कि हर ऑर्गेनिज्म की एक अलग अलग राइट एक अलग अलग रेंज है कि वो कुछ कंडीशन को कैसे टॉलरेट कर सके राइट बच्चे रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज कर सके राइट बच्चे राइट उसी के बेसिस पे हम बोलते हैं उसका क्या जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैव द डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम कि किसने कैसे यूटिलाइज किया उसी के बेसिस पे क्या हुआ बच्चे उसका इकोलॉजिकल सिस्टम में उसका रोल डिसाइड होगा सो so, वो बना रहा है निश समझ में आया समझ में आया <coughs> समझ में आ गया बिल्कुल है ना

क्या है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक है वो किसी और सिमिलर निश के साथ ओवरलैप कर सकता है नो no डाउट समझ में आ गया जैसे डेजर्ट्स हो गए ओशियंस हो गए ग्रासलैंड्स हो गए फॉरेस्ट हो गए हैबिटेट अब यहां पर डिफरेंट ट्रॉपिकल पोजिशन विच आर ऑक्यूपाइड द फिंच आ जाएगा निश राइट right? निश आ जाएगा सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो ये देखो हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल में डेजर्ट है माउंटेन है ग्रासलैंड है एक्वाटिक में ओशियंस है पॉन्ड्स है राइट right? सो so, जब हम बात करते हैं बात करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स की अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है एबायोटिक फैक्टर्स सो so, सबसे पहले क्या आ गया टेम्परेचर ये याद रखना फिर चलेगा वॉटर फिर बात आएगी लाइट की फिर बात आएगी सोइल की टेम्परेचर so, के बेसिस पर भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा वेरी करता है यहां पर जो तुमने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल सुना है सबने यूरीथर्मल स्टीनोथर्मल सबसे इंपॉर्टेंट है नहीं छोड़ सकते हम राइट नहीं छोड़ सकते हम तो ये जो यूरीथर्मल है ये जो यूरीथर्मल है रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंजेस जैसे होता है ना कि कुछ के केस में अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ दे आर नॉट एबल टू सरवाइव वो खत्म हो जाएंगे इसीलिए कह रहे हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग मेजर कंसर्न है टेम्परेचर बढ़ रहा है कई स्पीसीज नहीं सर्वाइव कर सकती भाई उस चेंजिंग टेमरेचर में सो so, वो क्या करेंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे सो so, ऑफकोर्स ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर रहा है राइट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट ए बायोटिक फैक्टर है ए बायोटिक माने नॉन लिविंग राइट बच्चे सो एवरेज टेम्परेचर हमें पता है सीजनली वेरी करता है इक्वेटर से पोल्स की, फड़. की तरफ चले जाओ टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज या इंक्रीज फटाफट टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज या इंक्रीज इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले जाओ टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जल्दी 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 डिक्रीज बच्चे इक्वेटर सनलाइट सबसे ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा ठंडी बढ़ती जाएगी डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज करेगी समझ रहे हो समझ रहे हो सो <coughs> so, चाहे तुम प्लेन से माउंटेन टॉप पे चले जाओ तब भी वेरी कर रहा है राइट सो पोलर एरियाज में सब जीरो लेवल पे है हाई ऑल्टीट्यूड पे पचास से भी ऊपर जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आ गए क्या आ गया हमारे पास ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आ गए सो so, कई ऐसी जगहें हैं बच्चे जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस सोचो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है राइट right? सो so, उसी के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है अब जैसे मैंगो की बात करो जहां टेम्परेचर बहुत कम है मैंगो मिलेगा क्या वहां मैंगो मिलेगा बिल्कुल नहीं यही एग्जाम्पल दे रखी है कि मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी राइट लाइक कैनेडा एंड जर्मनी समझ रहे हो समझ रहे हो सो so, ये पॉइंट्स को मार्क करो स्नो लेपर्ड्स तुम्हें केरला के फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे टूना फिश तुम्हें ट्रॉपिकल लैटिट्यूड से परे नहीं मिलने वाली राइट right? परे नहीं मिलने वाली सो so, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है इसी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं राइट बच्चे इसी के बेसिस पर और हमेशा याद रखना एक एरिया की वेजिटेशन के बेसिस पर वहां एरिया के फ्लोरा के बेसिस पर वहां का फोना डिसाइड होता है फ्लोरा के बेसिस पर वहां का फोना डिसाइड होता है सो so, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लो सो so, जो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दे आर यूरीथर्मल्स राइट right, बच्चे लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं रिस्ट्रिक्टेड हैचर में टू इंपॉर्टेंट की सर्वाइवल उसका डिस्ट्रीब्यूशन वेरी गुड वेरी गुड सो ये देखो शॉर्टकट में भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है यूरी राइट एग्जाम्पल्स दे रखी हैं. स्टीनोथर्मल की एग्जाम्पल दे रखी है जैसे तुम्हें पता है ना बच्चे हम मैमल्स हम लोग डिस्कस करते हैं ना right? डिस्कस करते हैं ये चीज कि बर्ड्स और मैमल्स राइट हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि बर्ड और मैमल्स एब्स और मैमल्स व्हाट आर वी वी आर वार्म ब्लडेड वी आर द रेगुलेटर्स वी आर वार्म ब्लडेड वी आर होम्योथर्म्स बेसिकली ठीक है लिखो इसे वॉर्म ब्लडेड क्या है हम लोग हमें सॉल्ट एंड आयन का राइट right? बैलेंस है हमारी बॉडी में थर्मोरेग्युलेन है होमियोथर्म्स है हम लोग बिल्कुल राइट वॉर्म ब्लडेड वी आर सो वी कैन टॉलरेट दैट वाइड रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर राइट मैमल्स हो गए स्टीनोथर्मल so, जो नहीं नहीं बियर कर सकते कई रेप्टाइल्स भी एग्जाम्पल्स हैं सो अगला फैक्टर जो हमारे पास आ गया वो वाटर आ गया सो so, टेंचर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लाइफ को अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है दैट इज वाटर राइट पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है समझ रहे हो पानी के बिना हमारा गुजारा नहीं है राइट लाइफ ऑन अर्थ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वॉटर समझ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है इसको मार्क करो डन सो so, ये देखो डेजर्ट्स में कितनी अवेलेबिलिटी कम है ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली उन्होंने किया हुआ है डन बच्चे समझ रहे हो सो so, ये इंपॉर्टेंट इनको मार्क करो और ये देखो एक ऑर्गेनिजम्स के लिए फटाफट इस चीज को मार्क करो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है बच्चे द क्वालिटी द केमिकल कंपोजिशन द पीएच ऑफ वॉटर इज वेरी इंपॉर्टेंट

थाउजेंड कैसे मेजर करना है पार्ट पर राइट सो पी एच भी सेलेनिटी भी ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती है अदरवाइज ऑर्गेनिजम्स को क्या होगा ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होंगी नहीं मैनेज हो पाएगा सॉल्ट एंड वॉटर का बैलेंस नहीं क्रिएट हो पाएगा डन चलो सो यहां देख लो

कुछ करते हैं कोई बात नहीं टाइम का भी देखते हैं सो so, इसको मार्क करो सबके सब जल्दी ये टेम्परेचर ये चैप्टर हमारा लंबा है चैप्टर इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अगर तुम लोग जो जो वो बच्चे हैं जो नीट भी साथ में टारगेट कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स भी साथ में टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ऐसी रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि तुम्हारा कम टाइम में चैप्टर चे, चे, पूरा रिवाइज होगा साथ में बोर्ड्स की भी तैयारी हो गई सो so, वो जो वो जो होता है ना हमारा कॉन्फिडेंस वो बना रहता है राइट right? कॉन्फिडेंस बना रहता है So, ध्यान से फोकस करो यहां पे सो so, जीरो हाइड्रोफाइट हो गए जो प्लांट्स डेजर्ट में रह रहे हैं जीरो फाइट. पानी में रह रहे हैं हाइड्रोफाइट्स, राइट right? पानी में रह रहे हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो फाइट्स so, फाइट के पास क्या होगा सर्वाइवल के लिए उस तरह की होंगी. तुम्हें पता है? थिक आर राइट बच्चे कैम पाथवे दिखाते हैं कहीं कई कही?

स के पास तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग्स भी हैं राइट सो ये सर्वाइवल के लिए आ जाता है सो so, यूरीहेलाइन स्टीनोहेलाइन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो नो no डाउट पेपर में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है सो so, एक पॉइंट को याद रखना यहां पर वो है एग्जाम्पल्स राइट right? जो पॉइंट तुमने अपने माइंड में याद रखना है वो है एग्जाम्पल्स राइट right? एग्जाम्पल्स वो कोई मिस नहीं करेगा सो so, अगर तुम्हें पेपर में क्वेश्चन आता है डू मैंशन द एग्जाम्पल्स ठीक है किसी की भी चीज की पॉसिबल है वहां पे एग्जाम्पल ऐड करो डन सो जैसे हो गए तुम्हारे ग्रीन ईल्स हेरिंग ये क्या कर, ये क्या क्या कर है क्राफर में गोल्ड फिश हो गए हो गया जो ज्यादा नहीं कर सकते फाइन फिर तो तीसरा फैक्टर आ जाता है बच्चे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट समझ रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस कैसे भूल सकते हैं हम जिसपे हम सबका गुजारा चला है प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं लाइक सनलाइट को ट्रैप करेंगे क्या होने वाला है क्या होने वाला है उससे फोटोसिंथेसिस सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इन्हीं ही डिपेंडेंट बच्चे सोर्स ऑफ एनर्जी यही है सो so, हमें पता है कि इन चीजों के बेसिस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है जैसे ये देखो मेनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट हर्ब्स और शर्ब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस इवन अंडर वेरी

फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स के लिए फ्लारिंग के लिए क्लास इलेवेंथ में पढ़ा है क्लास इलेवेंथ में किस किस ने पढ़ा है वो लॉन्ग डे प्लांट्स शॉर्ट डे प्लांट्स डे न्यूट्रल प्लांट्स हाँ जी किस किस ने पढ़ी है ये चीजें पढ़ा है सबने शॉर्ट डे प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स डे न्यूट्रल प्लांट्स है ना सो so भाई फ्लारिंग पे भी तो डिपेंडेंट है फोटो पीरियडिज्म भी तो शो करते हैं प्लांट्स राइट एनिमल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कई एनिमल्स नॉक्टर्नल है कई एनिमल्स डायर्नल है दिन में निकलते हैं कई रात में उल्लू का एग्जाम्पल लेते हैं हम नॉक्टर्नल उन्हीं के बेसिस पर बच्चे उनकी कुछ एनिमल्स की ब्रीडिंग डिपेंड करती है और कुछ एनिमल्स की फॉरेजिंग एक्टिविटीज हर चीज लाइट पे डिपेंड कर रही है लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है क्यों बच्चे फॉरेजिंग के लिए रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए और माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए डन बच्चे सो अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज इज चर ऑफकोर्स ऑफकोर्स सन ही तो दोनों का सोर्स है इज इंटेड सन ही तो दोनों का सोर्स है नहीं उल्लू तो है पर आजकल हम लोग भी तो उल्लू बने हुए हैं हम लोग भी तो रातों को जागते है दिन में सोएंगे दिन में सोएंगे मतलब बेसिकली वो ब्रेन में पीनियल ग्लांट सोना है सबने पीनियल ग्लांट सर्क्रडियन रिदम्स को मेनटेन करेगा हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को तभी तो पता लगता है बॉडी को भी तो पता लगता है उसके उसी के अकॉर्डिंग हम लोग राइट बॉडी भी तो रिस्पॉन्ड करती है फीमेल्स के केस में बेस्ट एग्जाम्पल है साइकिल साइकिल का का है ना सो ये सारी चीजें आ जाती है डन बच्चे सो so लाइट भी इंपॉर्टेंट है सो लाइट और टेम्परेचर का कंसेप्ट काफी क्लोज रिलेटेड है क्योंकि सन आना क्या ही हो रहा है आज हाँ क्योंकि सन

सो स्पेक्ट्रल क्वालिटी सोलर रेडिएशन की इंपॉर्टेंट है वी नो इट वेरी वेल यू वी रेडिएशन भी है जो हमारे लिए हार्मफुल है कैंसर कॉजिंग है और जोन उसे बचा के रखे हुए है प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए भी हमें पता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है ना सारी की सारी सनलाइट को हम यूज नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस में भी सबसे इफेक्टिव रेड लाइट है ब्लू लाइट है ये भी पॉइंट्स है ये देखो और इसी लाइट की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर ये जो तुम्हारी क्वेटिक बॉडीज है इनमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे ये देखो ये थोड़ा पास में ज्यादा डीप नहीं है ये देखो लिटरल जोन ये ये आ गया पानी 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 ये आ गई तुम्हारी कौन सी यूफोटिक जोन जहां लाइट ज्यादा अवेलेबल है राइट जहां लाइट ज्यादा अवेलेबल है सो so यहां हो गया हमारे पास लिमनेटिक जोन कौन सी जोन होगी लिमनाटिक जोन फिर आ जाएगी बच्चे प्रोफंडल जोन उससे नीचे राइट right, जिसको एफोटिक जोन भी कहते हैं फिर जहां सबसे कम है एनी लाइट बेंथिक जोन जहां डिकम्पोजर्स होंगे मेनली राइट right, डिकम्पोजर्स होंगे मेनली समझ रहे हो खूबसूरत है ना ये बहुत खूबसूरत है राइट सो लिटरल जोन आगे बिल्कुल थोड़ा शेलो <coughs> है जहां ज्यादा कोई पानीवानी नहीं है राइट सो लिटरल फिर आगे लिम्नेटिक प्रोफंडल और बेंथिक डन और बेंथिक ठीक है चलो फिर आ गया सोइल की वेदरिंग जैसे टूटती है ना रॉक्स सॉइल बनी वो सारी चीजें ह्यूमिफिकेशन ह्यूमिफिकेशन ये सारे पॉइंट्स आ गए सो so, ये देखो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी यस ये किस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट पे बिल्कुल वेदरिंग प्रोसेस पे कैसे वो सॉइल बन रही है उस प्रोसेस पे राइट सॉइल वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री इन चीजों पे भी मतलब उसकी पूरी डेवलपमेंट इवन ह्यूमिफिकेशन वेदरिंग सबसे सबके बेसिस पर डिसाइड होती है यस यस yes, बच्चों yes, बच्चों so, सो में हम को को ग्रेन साइज को, एग्रीगेशन को कंसिडर करते हैं राइट right? हम लोग देखते हैं कि क्या है सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है डन बच्चे पीएच का कंसेप्ट मिनरल का कंसेप्ट, ये सारी की सारी चीजें डिस्कस मतलब ये सारी की सारी चीजें कंसिडर होंगी और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर <coughs> एक एरिया की वेजिटेशन डिसाइड होती है राइट इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर एक एरिया की वेजिटेशन डिसाइड होती है डन बच्चे डन और वेजिटेशन के बेसिस पे ही क्या होगा वहां कौन से एनिमल्स आएंगे वो डिसाइड होगा डन बच्चे कौन से एनिमल्स आएंगे वो डिसाइड होगा ठीक है सो जैसा जहां का फौना जैसा जहां का फ्लोरा उसी के बेसिस पे वहां का फौना ओके okay? वहां का फौना सो so, ये देखो सोइल कंपोजिशन ऑर्गेनिक मैटर है एयर है वाटर है मिनरल्स है सो टॉप मोस्ट लेयर पता है ना ह्यूमस ह्यूमस ठीक है चलो जी हाँ फिर आ गया रिस्पॉन्सेस टू ए बायोटिक फैक्टर्स ठीक है किस किस ने साथ में किताब खोली हुई है और कौन कौन साथ में ऐसे मार्क कर रहा है बताना जरा किस किस बच्चे ने साथ में किताब खोली हुई है कौन कौन साथ में मार्क कर रहा है चलो एक क्वेश्चन पूछती वैसा ऐसा होना नहीं चाहिए किसके पास एन है ही नहीं किसके पास टी है ही नहीं हाँ एन दीदी सबके पास होनी चाहिए कोई है जिसके पास एन दीदी है ही नहीं है नए वाले नए वाले भी होंगे कोई ना कोई तो होगा कोई ना कोई तो होगा ठीक है सो अब आ गया बच्चे इन ए बायोटिक फैक्टर्स इन टेम्परेचर के लिए वाटर के लिए लाइट के लिए सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिस अब हमने देखने हैं ये रिस्पॉन्सिस राइट right, बच्चे सो so, जब हम इनकी बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है इन फैक्टर्स में इन आ, इन फैक्टर्स के बेसिस पर कौन कैसे सर्वाइव कर रहा है उसी के बेसिस पे हमारे पास क्या आ जाता है रेगुलेट कंफर्म माइग्रेट सस्पेंड यही पढ़ते हैं हम लोग रेग्यूलेट कंफर्म माइग्रेट सस्पेंड यही पढ़ते हैं हम लोग सो so यहाँ पे देखो ये देखो किस हैबिटेट से कैसे कोप अप करना है इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस पे उसके लिए अडेप्टेशन है ये yes, बिल्कुल अडेप्टन है बिल्कुल है और सबका अपना अपना तरीका है अडेप्ट करने का देखो जैसे यहाँ पे बड़ा प्यारा सा पॉइंट दे रखा है कि वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ इयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस मेनी स्पीसीज वुड है कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वॉर्मेंट That permits the all the biochemical reaction and physiological functions to proceed with maximal efficiency. jaise ki mammals, we are homeotherms. kya hai hum log Homeotherms hai हमारे पास हमने with time ये mechanism body में evolve किया है। ऐसा नहीं है day one से है। With time evolution हुआ है। Advanced organisms आए हैं। So हमारे केस में बाहर का temperature कुछ भी ओपना सेंटीसीज़ डिग्री सेल्सियस रह चाहिए। ना बुखार बुखार हो तो बात अलग है बुखार वगैरह हो फीवर वगैरह हो तो बात अलग है बच्चों लेकिन अपने पास क्या पॉइंट आ जाता है हमारे पास क्या पॉइंट आ जाता है हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है बच्चों कि बेसिकली हम लोग ह्यूम मैमल्स मैमल्स बर्ड्स और मैमल्स में हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल इन्वामेंट हमारे इंटरनल इन्वायमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा हमारी इंटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंट है वैसे चलो ठीक है ठंड लगी जैकेट पहन ली गर्मी है एसी चला लिया ठीक है एक्सटर्नल हमने बना लिया लेकिन इंटरनल हमारा constant रहता है है बिल्कुल सही we are what we are regulators. और इसी चीज के बेसिस पर maximal, maximal efficiency है हमारे पास राइट सो ऑब्वियसली बात है ओवरऑल फिटनेस पीसिस की बढ़ जाती है ओवरऑल फिटनेस पीसिस की बढ़ जाती है इज इट बच्चे सो so, हमने विद टाइम क्या इवॉल्व किया है होमियोस्टेसिस है अपने पास होमियोस्टेसिस

है ना सही है बढ़िया है ये वाला पॉइंट सो so, उसी के बेसिस पे आ गया ये देखो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं तो so, सबसे पहले आ गया रेगुलेट रेगुलेट ये देखो ये इंपॉर्टेंट है अगर कोई नीट एस्पिरेंट है वो तो बिल्कुल ना छोड़े देखो एक्सटर्नल लेवल की बात हो गई यहां इंटरनल लेवल की बात हो गई सो so हमारे पास ये आ गए रेगुलेटर्स वी हैव द कंफर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स सो so, अलग अलग तरीकों से अडॉप्ट किया जाता है जैसे हमारे केस में तो ये हमने एनर्जी इन्वेस्ट की एनर्जी के एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है इंटरनल कांस्टेंट कंडीशंस बनाना एनर्जी स्पेंड की हमारे पास ये चीज है राइट right? हमारे पास ये चीज है विदाउट एनी डाउट राइट सबके सबके पास नहीं है 99% ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स 99% ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर व्हाट कंफर्मर्स दे कैन नॉट रेगुलेट देयर कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस समझ रहे हो वो अपनी कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन मेंटेन नहीं कर सकते डन सो so, जब रेगुलेट की बात आ गई सो सम ऑर्गेनिज्म दे कैन मेंटेन बाय फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल अब है इंटरनल फंक्शनिंग बिहेवियरल कैसे आ गया कि उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर दो राइट right? एक तो ये हो गया चलो चले गए वहां से दूसरा दूसरी क्या चीज आ गई जैसे सपोज करो ठंड बाहर है धूप में बैठ गए धूप में बैठ गए ठीक है समझ रहे हो धूप में बैठ गए इस तरह की चीजें भी हैं दान? जी बिल्कुल सो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर की जब बात आएगी तो किसका नाम उठेगा रेगुलेटर्स का समझ रहे हो जो कांस्टेंट कंडीशंस की बात आएगी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सो अपने पास किसका नाम उठेगा रेगुलेटर्स का किसका रेगुलेटर्स का राइट बर्ड्स हैं मैमल्स हैं कुछ एक लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी है सो एनर्जेटिकली इट इज वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस बच्चे एनर्जी लगती है इसमें तभी हम एंडोथर्म्स भी कहते हैं खुद को राइट right? सो so, इसी मैमल्स की इसी सक्सेस की वजह से क्योंकि हमारी कंडीशन कॉन्स्टेंट रहती है बच्चे मैमल्स इवन अंटार्कटिका और सहारा डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं अंटार्क्टिका और सहारा डेजर्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं डन बच्चे डन समझ में आया फिर आगे गए कन्फर्म कॉन्फर्म कॉन्फर्मर्ड आ गए ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ एनिमल्स एंड ऑल नियरली ऑल प्लांट्स दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस दे कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस समझ रहे हो दोबारा ध्यान से सुनो कन्फर्म की बात हो रही है नाइंटी नाइन परसेंट एनिमल्स और सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स कॉन्स्टेंट इंटरनल कंडीशन नहीं नहीं बना सकते दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आया दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सोचो अगर हम लोग रेगुलेटर्स ना होते इतना वाइडली स्प्रेड होते बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है so, सो कभी ऐसा लगे ना हम यूजलेस है किसी को मैंने ये बच्चों को ये मैं बोलती हूँ नॉर्मली अपनी क्लासेस में भी बोलती हूँ कभी लगे ना मैं यूजलेस हूँ ये सोचना कि तुम उन एक परसेंट एनिमल्स में से हो जो क्या करते हैं अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अंदर की कंडीशंस को चेंज नहीं करते समझ रहे हो नहीं करते ये बात याद रखना जब भी यूजलेस फील आए ना मैं यूजलेस हूँ मैं कुछ नहीं हूँ है ही नहीं जिंदगी में कुछ है ही नहीं तो याद रखना कि नहीं भाई तुम तो उन एक परसेंट एनिमल्स में से हो जो क्या है कॉन्स्टेंट कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं ये वाला पॉइंट याद रखना आधे तुम यहां सुख सुखी हो जाओगे सुखी ठीक है सो यूजलेस नहीं फील करना है ठीक है यूजलेस कोई नहीं फील करेगा घर वाले भी बोलेंगे ना तुम यूजलेस हो बोला नहीं हमारी स्पीसीज रेगुलेटर्स में से है खुश हो जाओ ओके सो so, आज से कोई भी डिमोटिवेट हो तुमने यही समझाना है यही समझाना है तुमने चलिए सो दे बॉडी टेम्परेचर चेंजेस टेम्परेचर सो एक्टिक देखो में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूड की चेंज हो जाती है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल हो जाती है सो दीज एनिमल्स एंड प्लाट्स दे आर सिंपली कॉन्फॉर्मर्स पॉइंट बचे कॉन्फर्मर्स द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाती है ये जो हीट लॉस और हीट गेन है ये किसका किसका फंक्शन है सरफेस एरिया ये देखो हीट लॉस और हीट गेन इट इज ऑफ़ सरफ़ेस एरिया जो एनिमल छोटे 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 हैं हैं सरफ़ेस एरिया ज्यादा है बच्चे रिलेटिव टू देर वॉल्यूम वो क्या करेंगे बाहर अगर कोल्ड कंडीशन है तो हीट को जल्दी जल्दी लूज कर देंगे दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट राइट इस पॉइंट को मार्क करो सबके अगर हीट लॉस और हीट गेन फंक्शन है सरफेस एरिया का सो so, ये जो छोटे छोटे एनिमल्स है इफ दे आर हैविंग द लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम वो क्या करेंगे व्हेन इट इज कोल्ड दे विल लूज द हीट इमीडिएटली सो फिर से दोबारा उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्पीड अप होगा राइट right? सो so, उनको और एनर्जी और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी और एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी हीट जनरेट करने के लिए थ्रू देयर मेटाबॉलिज्म सो so, इसीलिए जो कोल्डर एरियाज है वहां के जो एनिमल्स है उनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा है साइज कंपेरेटिवली बड़ा है राइट right? ताकि सरफेस एरिया कम हो then, small, small है लेकिन साइज क्या है देखो यही दिखा है then, then, बच्चे? इसको मार्क कर लो इसको मार्क कर लो राइट right? सो so, अगर हमारे पास थर्मो रेगुलेशन है तो हमें क्या है एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है मेंटेन किया गया है बहुत एनर्जी लगती है उस उसपे बहुत एनर्जी लगती है उस उसपे डन और कई बार क्या होता है बच्चे कि स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन होती है लोकेलाइज्ड मतलब थोड़े समय के लिए है तो ऐसी कंडीशंस में कैसे सरवाइव करना है या तो माइग्रेट कर लो या तो सस्पेंड या तो माइग्रेट कर लो या तो सस्पेंड या तो वहां से निकल लो कट लो या तो काम धाम थोड़ा सा रोक दो शांत हो जाओ जैसे तुमने सुना होगा घर वालों को भी बोलते हुए कि आजकल कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है थोड़ा शांत रहते हैं राइट थोड़ा शांत रहते हो प्लानिंग व्लानिंग चल रही हो आजकल भाई अपना टाइम खराब चलाए थोड़े समय तक शांत रहते हैं बाकी की देखी जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें आ गई माइग्रेट और सस्पेंड राइट सो माइग्रेट मतलब उस स्ट्रेसफुल चीजों को छोड़ दो नई जगह पे चले जाओ किो नेशनल पार्क का एग्जाम्पल राजस्थान में जहां क्या किया जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट किया जाता है कि आओ जी आओ जी साइबेरिया से आए हैं रशिया से आए हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स राइट बच्चे राइट सो so, वहाँ पे उस हीट को अवॉइड कर उस कोल्ड को अवॉइड करने के लिए ये देखो सो कोल्ड नदर रीजन से गर्म गरम इलाकों में आ गए माइग्रेशन बोरिया बिस्ट्रा उठाया चलो पिकनिक पे बोरिया बिस्ट्रा उठाया चलो पिकनिक पे जैसे हिमाचल में कहीं और गर्मी पड़ने की देर है हिमाचल भरा भरा होता है टूरिस्ट के साथ ये पंजाब वाले ये हरियाणा वाले ये दिल्ली वाले चलो जी चलो हिमाचल कहाँ जाएंगे हिमाचल क्यों जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ गया अब वहां करें अब तो वो चला ना वर्क फ्रॉम होम तब तो बेस्ट है तब तो यही होगी मैक्सिमम लोगों की स्टोरी यही होती है कि भाई कहीं पहाड़ों में ही काम चल रहा है इट कहीं पहाड़ों में ही काम चल रहा है है ना और क्या और क्या चलो फिर आ गया बच्चे सस्पेंड की बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स दे हैव थिक वॉल्ड स्पोर्स उनके पास क्या है स्पोर्स जैसे हम बोलते हैं ना स्पोर्स बन गए तो so, स्पोर्स की जो आउटर कवरिंग है वो है सो so, उससे क्या होगा जब कंडीशंस अनफेवरेबल है भाई वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया फन जाए सरवाइव कर जाएगा जब कंडीशन फेवरेबल हो गई ग्रो कर जाओ सीड की डोरमेंसी की बात करते हो जब कंडीशन अनफेवरेबल है नहीं करना ग्रो जब कंडीशन फेवरेबल है ग्रो कर जाएंगे समझ में आई ये चीजें सस्पेंड सो टेम्परेली स्टॉप लगा लो मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लो बचो इस टाइम मतलब ये सस्पेंड इज बेसिकली लाइक कि बचो ना बचो जितना बच सकते हो बचो सस्पेंड इज जस्ट लाइक दैट सस्पेंड इज जस्ट लाइक दैट दान बच्चे तो जैसे कुछ एक एनिमल्स क्या करते हैं माइग्रेशन में हमें पता है ना हाइबरनेशन और इंस्टिवेशन हाइबरनेशन विंटर स्लीप ठंड को अवॉइड करो भाई इस्टिवेशन समर स्लीप और मेरे स्टूडेंट्स हमेशा हमेशा स्लीपी है ना मेरे स्टूडेंट्स हमेशा स्लीपी मैमल्स होने पे भी इतने एनर्जेटिकली है ना इतनी एनर्जी खर्च करके हम लोग होम्योथाम्स बने फिर भी हम सोते रहेंगे मैम हमें नहीं है मैम जरूरत विंटर स्लीप समर स्लीप ये कंसेप्ट अलग है हम हर टाइम स्लीप वी आर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हर टाइम स्लीप वैसे ऑर्गेनिजम्स है हम नहीं वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं हम मैम पेपर आ गए करते हैं बच्चे 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 करते हैं बच्चे लिटरली ऐसा करते हैं राइट कर देंगे बच्चे नोट्स भी सेंड कर देंगे कुछ रह गया होगा अदनान एक दिन इकट्ठा आ जाएगा सब बच्चे क्या करते हैं स्ट्रेस बढ़ रहा है पढ़ाई नहीं हो रही एक तरफ बोर्ड्स एक तरफ नीट क्या किया जाए क्या किया जाए सोया जाए है ना सोया जाए समझ रहे हो कोई और स्ट्रेस है मम्मी ने डांटा पापा ने डांटा बेस्ट फ्रेंड्स से लड़ाई होगी चिंडा चिंडी से लड़ाई होगी क्या किया जाए सोया जाए राइट So, ये हाइबरनेशन और इस्टिवेशन के अलावा ना एक और कैटेगरी होनी चाहिए जिसमें इस चीज को डाला गया हो है ना जिसमें इस चीज को डाला गया हो और क्या लिटरली है ना तो so, ये हमारे ये बच्चे देखो सो रहे आधे भाग गए आधे भाग गए मैम ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर ना 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 मैम औखा है चैप्टर टफ है चैप्टर मैम हम सो रहे हैं मैम वी आर, exactly, आर स्लीपिंग एग्जैक्टली वी आर स्लीपिंग मैम छो गुस्सा पढ़ेंगे ही नहीं सुधर जाओ सुधर जाओ पेपर आ गए सर पे तुम्हारे हाँ अब एक और वर्ड क्या आ गया दाया पोज। दाया पोज। के केस में पॉज पो, लगा दिया रोक दिया उन्होंने काम ठीक है डायापोज so, जैसे ये देखो जू प्लैंकटेंस डायापोज में एंटर कर गए यहां पे क्या है उनकी डेवलपमेंट सस्पेंडेड रोक दो काम को रोक दो काम को ठीक है so, सो ये देखो फटाफट बड़ रिवाइज हो गया रेगुलेटर ओहो इट इज कॉन्फ़ॉर्म एफ ओ आर एम बच्चों ठीक है माइग्रेट और सस्पेंड सो सस्पेंड में हाइबरनेशन इंस्टीवेशन डायापोज ये सारी चीजें आ गई सो so, ये तुम लोग एकदम से रिवाइज कर लोगे सो so, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी 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 ओके ठीक है डन है अब आ जाओ बच्चे अडाप्टेशन पे अब तुम्हें पता है हर सिचुएशन में अगर चेंजिंग सिचुएशन में अडाप्ट ना किया जाए खत्म है हम लोग इज इंट इट खत्म है हम लोग ठीक है समझ रहे हो खत्म अडाप्ट करना जरूरी है डे टू डे लाइफ में भी जो चेंजेस आते हैं वी नीड टू अडाप्ट चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट थिंग सो ऑफकोर्स ये ऑर्गेनिज्म है विद टाइम इन्होंने क्या किया इतने टाइम में जो चीजें बदली जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई सो so क्या किया अडाप्ट किया जो अडाप्ट कर गया वो बच गया जो नहीं गया खत्म राइट right? जिसने नहीं किया वो खत्म धन बच्चे अडाप्टेशन सो so, जब बात आती है ना अडाप्टेशन की ये देखो इट इज एन एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट कैन बी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल दैट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स राइट इट इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म चाहे मॉर्फोलॉजिकल उसमें कुछ चेंजेस हैं, चाहे उसका फिजियोलॉजिकल चाहे बिहेवियरल की पता है अडाप्ट करना है राइट right? तुम देखोगे सन बास्किंग की एग्जाम्पल देखोगे एक एनिमल के केस में उसकी समझ रहे हो बच्चे ये चीजें आ गई ये चीजें आ गई अडाप्टेशन में ऑफकोर्स जेनेटिकली फिक्स रहेंगी ये जेनेटिकली फिक्स्ड है राइट right? एक मैंने तुम्हें और भी वर्ड समझाया था यहां पे एक्लेमिटाइजेशन एक्लेमे ओहो एक्लेमिटाइजेशन याद है बच्चों ये हो गया टेम्परेरीली एडजस्ट किया पहाड़ों में गए हाइट्स पे गए राइट right? आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ गई गाल लाल लाल हो गए हमें लगा ग्लो आ गया पर वो एक्लेमेटाइजेशन थी वो आर ज़्यादा थे वो टेम्परेरिली हमने वहां सर्वाइव किया है सर्वाइवल के लिए एडजस्ट किया है बॉडी ने राइट सो so, वो झूठा ग्लो था बैक टू नॉर्मल आ जाओ वैसे ही हो जाओगे सो so, एक्लेमेटाइजेशन होता है टेम्परेरिल एडजस्ट कर जाना राइट टेम्परेरली एडजस्ट करना चेंजिंग कंडीशन में अडाप्टेशन हो गया वो परमानेंट चेंज ठीक है जेनेटिकली फिक्सड है वो

पानी को यूज करेगा अडेप्टेशन किसका कैंगरू रैट का राइट रै, कैंगरू रैट का डन बच्चे अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा ताकि पानी कम वेस्ट हो डन डेजर्ट प्लांट्स में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया थिक क्यूटिकल स्टोमेटा संकन डीप पिट्स में प्रेजेंट है कैम पाथवे क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म शो करते हैं वो राइट बच्चे दिन में अपने स्टोमेटा को कर लिया बंद रात में कर लिया स्टोमेटा को ओपन ताकि ये जो पानी का लॉस है वो भी ना हो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की उसको भी यूटिलाइज कर लिया डन डन उसको भी यूटिलाइज कर लिया दान? सो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं का है। उनके हो हैं, में। फाइन? सो स्टेम्स क्या करती है, स्टेम्स, कर देती है। ये का ले रहे हैं फोटोसिंथेटिक राइट पॉइंट आ गया डन डन चलो जी ठीक है सो फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट एलंज रूल को मार्क कर लो सबके सब रूल सब. को मार्क कर लो सबके सब कि ठंडी जगहों में जो मैमल्स हैं जैसा मैंने कहा उनकी शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होगी छोटे छोटे कान छोटे छोटे लिम्स ताकि हीट लॉस क्या हो कम हो ताकि हीट लॉस क्या हो कम हो पोलर so, सीज में जो एक्वाटिक मैमल्स है लाइक like सील्स उनके पास एक थिक सी लेयर है ब्लबर राइट right? वो मोटू से कद्दू से हमें लगता है कि इतना मोटा क्यों है हाँ टाइम तो मूव कर रहा है पर उसके ऊपर थिक सी लेयर है ब्लबर सरवाइव भी तो करना है उस सील ने कहा पर सरवाइव करना है पोलर सीज में राइट पोलर सीज में समझ रहे हो समझ रहे हो सो so, एक बॉडी को क्या मिल गई एक इंस्यूलेटर की तरह एक्ट करेगा बॉडी हीट लूज नहीं होगी राइट right? सो so, ये उसके अलावा कुछ एक फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अडेप्टन है वही रोहतांग पास वाला एग्जाम्पल कि पहले हाइट्स पे जाएंगे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होगा नोजिया होगा हेडेक होगा राइट बच्चे सांस लेने में दिक्कत आएगी पाल्पिटेशन शुरू हो जाएंगी हार्ट पेल्पिटेशन बढ़ जाएंगे ऑल्टीट्यूड सिकनेस है क्योंकि लो एटमोसफेरिक प्रेशर है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हाई ऑल्टीट्यूड्स पे क्या है बच्चों लो एटमोसफेरिक प्रेशर है बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला सो so, जैसा मैंने कहा धीरे धीरे बॉडी हो जाएगी एक्लिमेटाइज राइट right? so, और ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा डन बच्चे सो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ गया बाइंडिंग अफिनिटी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कम हो गई राइट ब्रीदिंग रेट बढ़ गया सो so, हमारी बॉडी हर जगह सर्वाइव कर रही है हर जगह सर्वाइव कर रही है बच्चा चैप्टर लंबा है राइट right? मेरी बात सुनो चैप्टर है लंबा लेकिन रिवाइज करना है क्यों रिवाइज करना है क्योंकि संडे को हमने पूरी बॉटनी खत्म करनी राइट right? संडे को बैठ के हमने पूरा बॉटनी का बोर्ड्स का सिलेबस खत्म करना है जब बोर्ड्स का किया तीन चैप्टर टारगेट किए नीट भी साथ में चलाना है हम लोग नहीं नहीं टाइम वेस्ट कर सकते अदनान जी नोट्स मिल जाएंगे चिल करो थोड़ा फोकस करो ठीक है so, सो जिस, जिस का मोटिवेशन डाउन हो रहा है एक ही चीज याद करो कि मैंने नीट का के लिए भी पढ़ना है सबके पास सेम चौबीस घंटे हैं राइट right? सबके पास सेम चौबीस घंटे हैं सबने अच्छे से यूटिलाइज किए हैं ये वाली बात खुद को याद दिलाओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। ये वाली बात खुद को याद दिलाओ ओके okay? ओके okay? तो मोटिवेशन थोड़ा और अप रखो मोटिवेशन थोड़ा और अप रखो सो एनर्जी थोड़ी और बढ़ाओ एनर्जी थोड़ी और बढ़ाओ ये थोड़ा मुझे भी मेरा भी ए टीपी ना ए टीपी मर रहा है एटीपी कह रहा है, एटीपी कह रहा है नहीं, नहीं 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 जब बच्चों बच्चों की एनर्जी लो है तुम्हारी कैसे हाई हो गई चलो एनर्जी पता है ना कंटेजियस होती है फैलती हैं तो तुम्हारी लो हो जाएगी तो मेरी भी लो हो जाएगी वेरी गुड थोड़ा और तो थोड़ा इसी बात पे थोड़ा शेयर भी करो जो तुम्हारे दोस्त कंफर्ट जोन में पड़े हो उन्हें भी बुलाओ उन्हें बोलो बस बहुत हो गया बहुत हो गया आवाज आओ पढ़ लो फटाफट फटाफट और जोड़ो थोड़ा सा और बच्चों को साथ में ऐसे चेन बनाएंगे चेन बनाएंगे हम ही तो बचे अच्छे लोग इस प्लान पे और कौन है है ना चलो शुरू हो जाओ सो so, अब हमने ये किसकी बात की अडाप्ट की बात की किसकी बात की अडाप्टेशन की बात की राइट right, बच्चे सो so, ये देखो हम तो भाई सैंतीस डिग्री सेल्सियस में मस्त चला है अपना काम राइट right? लेकिन हमें पता है कुछ एक आर की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया दे कैन इवन सर्वाइव इन द एक्सट्रीम है Right, so, राइट right, बच्चे अब ये देखो फिश जो अंटार्क्टिक वॉटर्स में है जहाँ टेम्परेचर हमेशा जीरो है वो भी मैनेज करती है राइट right? वो भी मैनेज करती है पढ़ाया था ना मैंने तुम्हें फ्रीज टॉलरेंट एनिमल्स भी है राइट right? कुछ एक तो क्या करेंगे बॉडी में ही सब कुछ जमा लेंगे काम खत्म कुछ के पास क्या जाएंगे ऐसे केमिकल कंपाउंड है कि वो सर्वाइव कर पाते हैं ग्लिस्टर का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था सो लार्ज वेराइटी ब्रेड एंड फिशेज जो बहुत डेप्थ में रह रहे हैं बच्चे जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स दे आर आल्सो एडजस्टिंग बिकॉज दे हैव स्पेशल इंजाइम सो ये बोल रहे हैं है उनके पास इंजाइम जो उस उतरे प्रेशर पे भी काम करें राइट right? राइट right? तो so, ये आ जाएंगी सारी की सारी बायो केमिकल कि उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है समझ रहे हो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है यहां पर ये बात आ जाती है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे टॉपिक आ जाता है अभी जल्दी 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 राइट right? जैसे फ्रीज अवॉइडिंग के लिए ग्लिसरॉल है एंटी फ्रीज पॉइंट है राइट फ्रीज टॉलरेंट के लिए क्या हो जाता है आइस फॉर्मेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस पे जल्दी डन सो so, जैसे ये जो हाई प्रेशर पे है उनमें क्या होगा Barophilic में क्या होगा उनकी बेरोइम्स की बढ़ जाती है बेसिकली इस तरह से चीजें चलती डन और सम ऑर्गेनिज्म बाकी बिहेवियरल रिस्पॉन्स देते हैं जैसे हमारी डेजर्ट लेजर्ट उसके पास फिजियोलॉजिकल कोई एबिलिटी नहीं है वो कहेगी अब मैं कैसे काम चलाऊ वो क्या करेगी वो क्या करेगी बच्चे वो मैमल्स राइट right? वो कैसे डील कर रहे हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेगी अपने बिहेवियर से दे सन अब्जॉर्व द हीट वेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन राइट ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन शेड में चली जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा ये हो गया बिहेवियर राइट right? और एनिमल्स में माइग्रेशन केमोफ्लेज मिमिक्री वार्निंग कलरेशन माइग्रेशन याद है

फिर आ गई बचे मिमिक्री की बात सो क्या है अपने पास प्रोटेक्टिव भी है और अग्रेसिव भी आ गई बटरफ्लाई राइट, राइट? रिजेंबल मुनाक बटरफ्लाई जिसमें एक मिमिक है एक मॉडल है राइट मॉडल कर रहा है उस मिमिक को कॉपी राइट अः मॉडल को कॉपी किया जा रहा है मॉडल को कॉपी किया जाएगा या कॉपी करेगा यह बताना जरा मॉडल को कॉपी किया जाएगा या कॉपी करेगा जल्दी 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 मॉडल को कॉपी किया जाएगा या वो खुद करेगा बताओ जल्दी से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग मिमिक्री की मॉडल को कॉपी किया जाएगा ऑब्वियसली कॉपी किया जाएगा कौन करेगा मिमिक करेगा कौन करेगा मिमिक करेगा डन ठीक है मिमिक्री So, ये प्रोटेक्टिव भी हो सकती है खुद को प्रे से प्रेडेटर से बचाने के लिए खुद को शिकारी से बचाने के लिए एग्रेसिव भी हो सकती है किसी का शिकार करने के लिए समझ रहे हो जैसे ये देखो मोनाक बटरफ्लाई एंड क्वीन बटरफ्लाई राइट ये हो गया मिलेरियन ये भी प्रोटेक्टिव का एग्जाम्पल है उसके बाद आ गया एग्रेसिव जैसे स्पाइडर रिजेंबल करते हैं ऑर्किड फ्लावर से समझ रहे हो ये आ गई चीजें अडाप्टेशन है So, और म्यूलेरियन है तुम्हारा प्रोटेक्टिव में जिसमें उस बेसिकली प्रे ने खुद को प्रेडेटर से बचाया है राइट right? प्रे ने खुद को प्रेडेटर से बचाया है या तो ये हो जाएगा डिसटेस्टफुल हो जाएगा राइट right? कि भाई मतलब ऐसा ऐसा ऐसे मॉडल को कॉपी करेगा कि वो भी सोचेगा प्रेडेटर भी सोचेगा इसको खाऊं कि ना खाऊं इतना गंदा है समझ रहे हो इतना गंदा है ये वही है ये वही चीजें आ जाएंगे यहां से तुम लोग फटाफट इसको रिवाइज कर सकते हो बच्चे का आ गया, जैसे हैं, वो highly poisonous है, brightly colored है, तो क्या होगा इजिली नोटिस हो जाएंगे ठीक है डरा के रखा हुआ है उन्होंने फाइन सो एनिमल्टन में क्या आ गया अडेप्टन वॉटरिटी में adaptation to cold. ये मैंने तुम्हें बता दिया फ्रीज टॉलरेंट का भी फ्रीज अवॉइडिंग का भी टॉलरेंट में क्या हो जाएगा इनके पास आइस प्रोटीन है, जिसकी वजह से इनके एक्स्ट्रा सेलुलर में आइस जम जाती है, राइट और फ्रीज 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 ग्लिसोल और एंटी फ्रीज प्रोटीन बाकी ये देखो, रैट का दन। दन। ये सारा हमने कर लिया ये देखो फटाफट टेबुलर फॉर्म में हमने ये फटाफट रिवाइज करना एडेप्टेशन टू लाइट के लिए क्या किया जाएगा हमारे पास सन प्लांट्स भी है बच्चे हमारे पास सन प्लांट्स है स्टेम थिक होगा शॉर्ट शोट शॉर्ट होंगे फिर हीट आ गई ड्रॉट स्केपिंग ड्रॉट इवेडिंग राइट ड्रॉट स्केपिंग ड्रॉट इवेडिंग कुछ क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उन जगह पे राइट बेसिकली हीट उन जगहों पे ग्रो ही नहीं करेंगे कुछ एक प्लांट तो ऐसे हैं राइट right? उस टाइम पीरियड में ग्रो ही नहीं करेंगे रेनी सीजन में रहे जैसे मान लो रेनी सीजन में ग्रो किया या इस तरह से ग्रो किया कि उस अः टफ कंडीशन को आने से पहले निकल गए कुछ हमेशा ड्रॉट इवेडिंग भी है कि भाई हमने वहीं ड्रॉट इवेडिंग तो वो आगे जो तीन से चार महीने के लिए अपियर हुए उनके पास मॉडिफिकेशन आ गई कुछ होते हैं ड्रॉट इंड्रूडर्स नॉन सक्यूलेंट्स

ठीक है, है so, ये रूल्स देख लो, एलेंस, इसी पे पे, हमने फोकस करना है और दे हैव लार्जर बॉडी साइज राइट इन कोल्ड क्लाइमेट देन इन द हॉटर एरिया राइट ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनका बॉडी साइज कोल्ड क्लाइमेट में ज्यादा है आ, As compared to the hotter areas, right मुझे लगता है तुम्हारा मोटिवेशन काफी डाउन चला गया है सो so, अब क्या करते हैं पॉपुलेशन वाला पार्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे कल बायोडाइवर्सिटी ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग टन बायोडाइवर्सिटी ही कंटिन्यू करेंगे कल हम लोग पॉपुलेशन वाला पॉइंट देखते हैं मंडे ट्यूसडे जब भी मौका लगे राइट वरना तुम पिछली वीडियोस चेक कर सकते हो ठीक है पिछली वीडियोस चेक कर सकते हो उसमें सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है सो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वी विल डिस्कस इट इन मे बी सम अनदर डे वरना क्या करेंगे पिछली वीडियोस तुम लोग चेक कर लेना कल बायोडावर्सिटी और कॉन्जर्वेशन ही रहेगा हमने उसी को ही कंटिन्यू करना है तो इतना चैप्टर रिवाइज कर लेना इतना चैप्टर कर लोगे के नहीं एमसी क्यू करे एमसी क्यू डिस्कस करें हाँ, आज नहीं करेंगे वो भी मेंटी में ही करेंगे एमसी क्यू डिस्कस सो so, बाकी बच्चे यहां ध्यान दीजिए अगर तुम देखो वेदांतों के वेब प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हो वी प्रो पे इस टाइम पे तुम्हारे पास 50% ऑफ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं सो so, ये वाला कोड अप्लाई करो ए एम एस पी आर ओ राइट ए एम एस पी आर ओ तुम्हें फिफ्टी परसेंट ऑफ अपू रुपीज टू थाउजेंड रहेगा राइट right, बच्चे अपटू रुपीज टू थाउजेंड रहेगा जिसमें तुम्हारा ऑब्वियसली पूरे का पूरा रिवीजन हो रहा है नोट्स भी तुम्हें मिल रहे हैं लाइव इंटर एक्टिव सेशन है डन लाइव इंटर एक्टिव सेशन है डन सो so, ये सारी सारे लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे क्लिक करो एंड द पार्ट ऑफ ठीक है सो so, रिवाइज कर लेना कर लोगे कि नहीं कर लोगे कि नहीं कि नहीं मैम छोड़ो परे मैम परसों जब बोर्ड हो गए ना ऐसा होगा कल है एग्जाम तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ऐसा तो नहीं चलेगा है ना वही वही यहां पे भी स्ट्रेस वहां पे भी स्ट्रेस हम क्या करें हम सो जाते हैं हम स्लीप मोड में चले जाते हैं मैम हमारे लिए बेस्ट है सो so, ये तुम्हारा हाइबरनेशन स्टेशन से तुम्हारी अलग ही है ना तुम्हारी विंटर समर स्लीप नहीं है तुम्हारी है, स्ट्रेस स्लीप ठीक है नया नाम हो गया स्ट्रेस स्लीप क्या बोलेंगे हम उसे स्ट्रेस स्लीप जैसे ही स्ट्रेस आया सो जाओ जैसे ही कुछ भी हुआ सो जाओ चलो ठीक है ऑल द बेस्ट बच्चों पढ़ाई कर लेना अच्छे से अभी क्लास के बाद पिछले भी और आज के भी नोट शेयर करवा दूंगी लेकिन रिवीजन कर लेना रिवीजन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो वहां पे भी हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट तुम लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं राइट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ओके चलिए बाय टाटा टेक केयर